अगली खबर में बात करते हैं इंदौर की, जहां नवागत कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा ने बुधवार शाम को पदभार ग्रहण किया। इसके पूर्व उनके कलेक्ट्रेट पहुंचते ही मातहतों ने उनका पुष्प गुच्छे से स्वागत किया और अपना परिचय दिया। इसी कड़ी में भाजपा व कांग्रेस के नेता भी पहुंचे और उनका स्वागत किया। इस दौरान एक भाजपा नेता गमछा लेकर उनका स्वागत करने पहुंचे। इस पर उन्होंने उनका अभिवादन तो स्वीकारा, लेकिन गमछा पहनने को लेकर हाथ जोड़कर इनकार कर दिया। इस पर भाजपा नेता को वापस गमछा लेकर लौटना पड़ा। कुछ सेकंड के इस वाक्य ने नए कलेक्टर के रूप को लेकर स्पष्ट हो गया कि वे यहां आत्मीयता चाहते हैं, ना कि किसी राजनीतिक दल प्रभावित होना चाहते हैं। वैसे यह स्थिति आईएएस के प्रोटोकॉल के कारण बनी, जिसकी जानकारी भाजपा नेता को नहीं थी। दरअसल शाम को उनके वहां पहुंचने के पहले ही भाजपा व कांग्रेस के कुछ नेता वहां पहुंच चुके थे। हालांकि इनमें से कुछ तो मतदाता सूची पुनरीक्षण से संबंधित स्टैंडिंग कमेटी के बैठक में भाग लेने आए थे। बहरलाल, जैसे ही कलेक्टर इलैया राजा कार से उतरे तो पहले एडीएम अभय बेड़ेकर, राजेश राठौर, एसडीएम मुनीस सिकरवार, प्रतुल सिन्हा ने उनकी आगवानी कर उनका स्वागत किया। इस बीच भाजपा व कांग्रेस नेता भी पहुंच गए। आपाधापी के बीच भाजपा नेता दिलीप माटा ने तिरंगे रंग का गमछा लेकर उन्हें पहनाने कोशिश की और फिर उन तक पहुंचे, लेकिन गमछा देखते ही कलेक्टर ने हाथ जोड़े और गमछा उन्हें ही सौंप दिया। यह वाक्य 8 सेकंड के वीडियो में नजर आया। इसके बाद स्टैंडिंग कमेटी के शुरू होने के पहले कुछ लोग ने उनका माला से स्वागत किया तो उन्होंने उसे स्वीकार और बैठक शुरू की। स्वागत करने वाले भाजपा नेता दिलीप माटा शहर की भाजपा की आईटी सेल में यह संयोजक है। उनका प्रॉपर्टी व्यवसाय है तथा लाइसेंस क्लब ऑफ इंदौर के सेक्रेटरी है। फेसबुक पर उनके इस वाक्य के वीडियो फोटो भी अपलोड है। मामले में दिलीप माटा का कहना है कि इस वाक्य के बाद मैंने कुछ प्रशासनिक अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि प्रोटोकॉल के तहत आईएएस को गमछा हार नहीं पहनाया जा सकता, केवल पुष्प गुच्छा या पुष्प ही भेंट कर सकते हैं। जहां तक नए कलेक्टर का सवाल है, वे भी गमछा तो दूर हार भी नहीं पहनते। माटा ने बताया कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी, इसके चलते ऐसी स्थिति बनी। बात गमछे की नहीं है कि वह भाजपा का है, कांग्रेस का है या तिरंगा, लेकिन अगर प्रोटोकॉल है तो सभी को इसका ध्यान रखना चाहिए।